खुशकिस्मती से एक एक्सीडेंट हुआ। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, कहानी का टीवी में आपको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी मेज़बान नताशा रहमान। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च बिलाखिर खूनी मार्च बन ही गया। चैनल 5 की खातून रिपोर्टर सदफ नईम इमरान खान के लॉन्ग मार्च में खबर के लिए गई थी, लेकिन खुद ही खबर बन गई। सदफ नईम सादुकी के करीब चेयरमैन तहरीक इंसाफ के कंटेनर के नीचे आकर शहीद हो गई। 10 साल से ज़ायद अरसे से चैनल 5 से मुंसलिक थी और हर काम में महारत रखती थी। सदफ नईम की हमेशा ही कोशिश रही कि कम वसाइल के बावजूद हर इवेंट पर खुद जाकर खबर निकालें। यही तंगदू इसे तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च में भी ले गई। इसे क्या मालूम था कि ये लॉन्ग मार्च इसे इस दुनिया से ही दूर ले जाएगा। उस शख्स पर बिजली बन कर टूटी जो सदफ नईम को जानता था और जो नहीं भी जानता था। सहाफी सदफ नईम की शहादत के साथ एक पुलिस कांस्टेबल लियाकत भी अपनी ड्यूटी के दौरान हार्ट अटैक की वजह से शहीद हो गया। वाकये के बाद इमरान खान ने सादुकी के मुकाम पर लॉन्ग मार्च खत्म करने का ऐलान कर दिया और कामों की ना जाने का फैसला किया। बदकिस्मती से एक एक्सीडेंट हुआ और उसकी वजह से हमने फैसला किया है कि जो आज का हमारा दिन है, हमने कामों की जाना था, हमने उसको कैंसिल कर दिया। आज हम अपनी मार्च को ख़त्म कर रहे हैं और इंशाल्लाह कल कामों की से हम शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खातून सहाफ़ी के अहले खाना के लिए 50 लाख रुपये जबकि DGPR के महकमे ने 10 लाख रुपये माली इमदाद का ऐलान कर दिया। सदर, वज़ीर आज़म समेत हर हकूमती अहदेदार सहाफ़ती तंजीमों ने वाक़े पर अफसोस का इजहार किया। सदफ नईम की फैमिली में इनकी बेटी और बेटा छोड़ा है। कहानी का टीवी सहाफ़ी सदफ नईम के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआगो है।